नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि भारतवर्ष में हम सभी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में लगे रहते हैं और शुरू से ही कोशिश करते हैं, और हम काफी परेशान भी हो जाते हैं कि अगर उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन ज्योतिष का क्या फायदा है? ज्योतिष कहता है कि अगर आप अपने बच्चे को एजुकेशन उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से दीजिए, उसके लाइकिंग के हिसाब से दीजिए, तो बच्चा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सबको इंजीनियर ही बनाए, डॉक्टर ही बनाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनाए। हम उसको एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बना सकते हैं, अच्छा एंटरटेनर बना सकते हैं, अच्छा एक्टर बना सकते हैं, और कभी कभी कुछ लोगों का जो पॉलिटिकल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी होती है। और अक्सर मेरे पास आजकल बहुत लोग आते भी हैं, पूछते भी हैं कि क्या हम पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है। वैसे भी इलेक्शन वगैरह का टाइम चल रहा है तो ये लोग बहुत आते हैं, और हम बहुत आसानी से हॉरोस्कोप देखकर हम बता सकते हैं कि या लोग अपने आप भी देख सकते हैं कि उनको पॉलिटिकल लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। नहीं तो हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि अपने रिसोर्सेज हैं, एफर्ट्स हैं, पैसा है, सब बर्बाद कर देते हैं पॉलिटिक्स के लिए, कुछ नहीं मिलता। तो अगर किसी को पॉलिटिकल लाइफ में एंटर करना है और जानना है कि उसको पॉलिटिक्स में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कुछ योग हैं, कुछ पोजीशन है प्लैनेट की और स्कोप में। अगर वो उसके लिए फेवरेबल होगी पॉलिटिक्स के लिए, तभी हमें पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। और अक्सर लोग पूछते हैं कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अक्सर सब पूछते हैं कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो आपको सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनाता है। और मैं यही कहूंगा कि पॉलिटिक्स के लिए चंद्रमा या मून सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। मून जो है वो मार्सिस को भी रिप्रेजेंट करता है, मून पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड मून पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन को करना क्या पड़ता है? जैसा हम आजकल देखते हैं कि पॉलिटिशियन हैज टू डील विद द इमोशंस ऑफ द पब्लिक, वो मेन काम है। अगर आप पब्लिक के इमोशन से डील कर पाते हैं आजकल के टाइम में, तो आप एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन जाते हैं। तो इसलिए मून का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल लाइफ में सक्सेस के लिए। जब तक आपका मून वेल प्लेस नहीं है, तो वन शुड नेवर वेंचर इन टू पॉलिटिक्स। एक तो ये बहुत एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। उसके बाद जब तक आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे राजयोग नहीं है, तब तक भी आपको पॉलिटिक्स में सक्सेस नहीं मिलेगी। पॉलिटिक्स में सक्सेस का मतलब है कि आपको राजा बनना है, मंत्री बनना है, तो नहीं बन सकते जब तक बहुत अच्छे राजयोग ना हो। राजयोग, जैसा हम सभी जानते हैं कि हॉरोस्कोप में बहुत तरह से बनते हैं, प्लैनेट का एक्सचेंज होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ का योग होता है जिसको हम धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं, और कई सारे जितने पंच महापुरुष योग हैं, या जब ट्राइन और क्वाड्रेंट हाउसेस का एसोसिएशन होता है, या ट्राइन और ट्राइन हाउसेस का एसोसिएशन होता है, बहुत अच्छे राजयोग बनते हैं। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे राजयोग हैं, तब तो आपको पॉलिटिक्स में सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। उसके बाद जो दूसरा प्लैनेट है सन, जिसको हम सूर्य कहते हैं, सूर्य गिव्स यू द लीडरशिप क्वालिटीज जो कि एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। और हमने अभी चंद्रमा की बात की, मून की बात की, तो इसलिए ये दोनों प्लैनेट हैं सन और मून, सूर्य और चंद्रमा, दे कंफर्म पावर टू रूल एंड एडमिनिस्टर। तो इसलिए दोनों प्लैनेट का ही जो स्ट्रॉन्ग होना और स्कोप में बहुत जरूरी है। उसके बाद मंगल है मार्स। मार्स से क्या मिलता है? करेज है, कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है, परसीवियरेंस है, एडवेंचर है, एंड टू गिव द कै एंड इट गिव्स यू द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। ये हर पॉलिटिशियन की लाइफ में आते हैं, उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, तो ये जितने भी हमारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं उनसे जूझना, उनसे लड़ना, उनका सामना करना एक बहुत जरूरी है एक पॉलिटिशियन के लिए। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन के हॉरोस्कोप में मंगल भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है, या
वेल प्लेस प्लैनेट होता है। उसके बाद गुरु की बात करते हैं, जुपिटर। जुपिटर क्या करता है? जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, इट्स अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, इट्स अ प्लैनेट ऑफ प्रोस्पेरिटी, इट्स अ प्लैनेट ऑफ रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट, एंड दैट टू राइट पाथ ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना है, हम जैसे रिफॉर्म्स की बात करते हैं पॉलिटिक्स में, या कंट्री को सही रास्ते पे, सही डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जुपिटर भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर जुपिटर स्ट्रांग होगा तो हम कंट्री को या एज ए पॉलिटिशियन सही रास्ते पर, सही डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा प्लैनेट मरकरी है, बुध है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मरकरी जो है वो आपको पावर देता है टू मेक राइट डिसीजन एट द राइट प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो। और कहते हैं कि ये जो मरकरी है, ये जो हमारा पब्लिक रिलेशन की एक्टिविटी है, जो पॉलिटिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, क्योंकि दिस इज द प्लैनेट विच गिव्स यू एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स एंड होल्ड देम टूगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत जरूरी है। तो मरकरी भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए। फिर शनि की बात है, सैटर्न की बात है, और कहते हैं कि जो Saturn है, this is the only planet which gives you high status. Without blessing of Saturn, you cannot get a high status in the professional life. तो इसलिए Saturn का भी important role है। और जहां तक राहु का सवाल है, कहते हैं कि राहु जो है एक political interest देता है और एक attitude देता है towards the politics. तो इसीलिए अगर राहु का association 10th house के साथ हो, लग्न के साथ हो या मून के साथ, तब आपके अंदर एक इंटरेस्ट होता है शुरू से ही पॉलिटिक्स के लिए, और मैं कहूंगा कि इट गिव्स यू एन एप्टीट्यूड टुवर्ड द पॉलिटिक्स। तो ये सब चीजें हैं एक पॉलिटिशियन के लिए। अगर ये प्लैनेट स्ट्रांग हैं तो डेफिनेटली आप पॉलिटिक्स में वेंचर कर सकते हैं। अगर ये प्लैनेट स्ट्रांग नहीं है, और खासतौर से सन मून और राजयोग आपके हॉरोस्कोप में नहीं है, तो आप पॉलिटिक्स में सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। दैट विल बी अ शेयर वेस्टेज ऑफ योर टाइम, योर एफर्ट्स, योर रिसोर्सेस। तो ये एक, अगर हम किसी को एडवाइस करेंगे कि पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, तो ये सब हमें देखना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग और भी प्रोफेशन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर बच्चे को एजुकेशन की जो स्ट्रीम का सिलेक्शन है वो उसके अगर एप्टीट्यूड के हिसाब से किया जाए, तो बच्चा जो है लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। तो हम अपने कार्यक्रम में और भी प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे भविष्य में। और इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, और अगले हफ्ते फिर हम उपस्थित होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू सो मच।